बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हसन हुसैन ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक हैं। तो आज के दिन का हमारा आगाज हो चुका है, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज है चांद रात का दिन, चांद रात यानी कि कल ईद। तो हसन का आपको इधर लग गई थी भूख, कह रहे मम्मा मुझे मैंगो बना के दें। इसके बाद मैं बनाऊँगी दाल और चावल, हसन साहब की फेवरेट दाल चावल। कह रहे थे मम्मा मुझे बना कर दे, पहले मुझे मैंगो काट के दे। मैंने मैंगो खाना है। मैंने घर सारा साफ कर लिया था, सफाई करने के बाद हसन साहब को मैंने मैंगो काट दिया। ये भी खाएगा और मैं भी खाऊंगी अभी मैंगो। और आज हवा बहुत प्यारी चल रही है, हवा आ रही है। हुसैन साहब तो सो गए हैं, घर सारा हमने कर लिया है नीट। अब थोड़े से कपड़े प्रेस करने वाले थे, वो कपड़े प्रेस करेंगे। लाइट मैंने रूम की ऑफ की हुई है कि हुसैन उठ ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लगाएंगे अपने हाथ में, मैं लगाऊंगी मेहंदी। हसन साहब कह रहे थे मम्मा मैं आपको बाजार लेके जाऊंगा, चूड़ियाँ पहनाऊंगा मैं, मम्मा आपको लेके दूंगा। हसन आप मुझे लेकर देंगे, पापा लेके जाएंगे। आप जाओगे मेरे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटे को मैंगो बहुत पसंद है। अभी हसन के बाबा जानी का आज एक सूट सिलाई होकर आया, मैंने अभी उसे माया लगानी है। फिर वो एक प्रेस करने वाला, वो भी मैं प्रेस कर दूंगी जो उन्होंने कल पहनना है ईद वाले दिन। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। ये नहीं काटा हुआ था, हसन कह रहे मम्मा इसके भी दो पीस कर दें। कर देती हूँ बेटा। तो अपने मैंगो फिनिश कर रहे हैं, मैं इधर बना लूंगी साथ में माया जो हसन बाबा जानी के कपड़ों को लगनी है, और मैं इधर राशन वाले खाने से माया निकालूंगी। ये माया का डिब्बा है राशन के साथ, हमारा घर का सौदा जो आता है इकट्ठा ही आता महीने का। चूँकि हम जिस एरिया में रहते हैं इधर दुकानें थोड़ी दूर हैं, और वैसे भी हम अपने घर का राशन इकट्ठा ही लेकर आते हैं। खा लो हसन साहब। हसन साहब ने तीन चार ही पीस लिए हैं, लेकिन कह रहा मम्मा बस मैंने नहीं खाने। लो जी एक साइड पर उसने प्लेट कर दिए, खा लो बेटा इतने अच्छे। हसन साहब कहता पापा मैंने मैंगो खाने हैं। पापा हर फरमाइश हसन साहब की पूरी करते हैं, हसन हुसैन मेरी भी कोई ऐसी नहीं है चीज़ के जिस चीज़ की हमने डिमांड की हो वो ना लेकर आए। हमारे मुंह से निकले हुए लफाज वो हर चीज़ हमारी पूरी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हसन साहब ने हैंड वॉश करने हैं। माशाल्लाह, हसन साहब ने अपनी तीन दुआएं मांग ली, पहले बिस्मिल्लाह, फिर ये दुआ खाना खाने की दुआ मांगता है, उसके बाद ये दुआ मांगता है अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में इजाफा फरमा। मेरे बेटे को दुआएं याद है, ये अपनी दुआएं दुआ किए बगैर खाना नहीं खाता है, चूँकि इसे आदत भी है। और आज हमारे घर बने हैं दाल और चावल, हसन को बहुत पसंद है दही भी। और इधर मेरा नन्ना मुन्ना छोटा बच्चा भी है, दाल चावल खाने को है रेडी। और हुसैन को भी लगी है भूख। मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बेटे को खिलाऊंगी बिस्मिल्लाह। ये लो हुसैन, इधर 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 लो जी, हुसैन साहब फेस ही नहीं इधर कर रहे। ये लो बिस्मिल्लाह, भाई ने खा लिए दाल चावल। आज आएंगे हसन के पापा, आए कहाँ पे पापा आ रहे हैं? हाँ जी, हसन के पापा आ जाएंगे अभी ड्यूटी से थोड़ी देर के बाद, फिर हमें लेके जाएंगे बाहर सैर पे। हसन की आजकल बहुत ज्यादा आउटिंग हो रही है, मौसम अच्छा है, गर्मी है। हसन कह रहा है गर्मी है, लेकिन मौसम हो गया है ठंडा, कूल कूल, प्यारा प्यारा मौसम। हवा चल रही है? नहीं बेटा, ऐसे होता है आंखों को? आंखों को कैसे होता है? हसन कह रहा है जब बाहर जाते हैं कि आंखों को ऐसे होता है तेज धूप है, लेकिन मौसम है अच्छा, कल की बारिश हुई है इतनी ज्यादा। कपड़ों को मैंने माया लगाई थी, अब बारी है कपड़े प्रेस करने की। मैं इधर कर रही हूँ कपड़ों को शावर, पानी लगा रही हूँ, और हसन साहब मुझे साथ में कर रहे हैं तंग। मैं पानी लगा रही हूँ, भाई साहब अपने आगे हैंड कर देते हैं और खुश हो रहे हैं।
उल्टे काम करने के। एक ये बैठा हुआ है हुसैन साहब, ये भी मुझे तंग कर रहा है नन्ना मुन्ना सा। बच्चों ने खाना खा लिया, दाल चावल बनाए थे मैंने, दाल चावल खाने के बाद अब हम हो गए हैं फ्री। तो मैं कपड़े प्रेस कर लूँ। हसन साहब मजीद उल्टे काम किए जा रहे हैं, फिर हैंड आगे कर रहे हैं। पानी डालूं ऊपर, खुश हो रहा है। और इसके उल्टे काम अभी शरारते शुरू है। ना तंग करो मुझे, काम करने दो। हसन साहब की आज आंटी ने भेजी हैं हसन के लिए ईद के लिए कुछ चीज़ें। ना बेटा ना, आपसे नहीं ठीक होगा। ईद के लिए हसन के लिए भेजी है घड़ी, साथ में ऐनक। हसन साहब हैं बहुत खुश। अभी ये ठहर के आप लोगों को दिखाएंगे अपनी चीज़ें। कब का कह रहे हैं मम्मा चीज़ें दिखाएं, मम्मा चीज़ें दिखाएं। हाँ जी दिखा लेते हैं, अभी दिखाती हूँ। मुझे दे दो भाई, मुझे तंग ना करो, मुझे काम करने दो। इतना हैप्पी हो रहा है आज हसन की आई हैं चीज़ें, इसलिए इसकी उकारे वाली जो आंटी है हसन के लिए बहुत कुछ भेजती रहती हैं। हुसैन के लिए भी कपड़े सिलाई होकर आए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये मेरे कपड़े प्रेस हो जाए, और ये मुझे तंग करना बंद कर दे हसन और हुसैन साहब। ये हर काम में हेल्प करवाता है, और अपने भाई को भी शावर कर रहा है। ना कंघा पकड़, ब्रश पकड़ भाई से। हसन साहब ने मुझे कपड़े नहीं जब प्रेस करने दिए, उसने कहा मम्मा पहले मेरी चीजें दिखाएं। ये आए हैं हसन साहब का ये सूट है, साथ में ऐनक और घड़ी इसकी आंटी ने भेजी है। ये इतना खुश है, मैंने कहा वेट कर जाओ ईद पे लगानी है, अभी इसे इतना ईद का पता नहीं है। ये कह रहा कब है ईद, बार बार पूछ रहा है। हसन दिखाओ, आंटी ने भेजी है, खुश हो आप। और ये आए हैं हुसैन के कपड़े, अल्हम्दुलिल्लाह 5 सूट है, इतने इतने प्यारे आप ही ने सिलाई की हैं, साथ में निकरे हैं। ये निकर है, ये कलर भी इतना प्यारा है, ये मरजंडा कलर कलर है, लेकिन मोबाइल में ये जामनी कलर नज़र आ रहे हैं। ये स्किन कलर का है, ये भी इतना प्यारा एक कलर है, स्लेटी कलर, और एक ये कलर है। और नन्ना मुन्ना शाह उधर ही बैठ के नीचे छोटी छोटी चीज़ों के साथ खेल रहा है खुद ही। हसन साहब पापा आप खुश हो गए हो, कह रहे थे मम्मा वो लोग में दिखाओ दिखाओ, मैंने दिखा दिया सबको, ठीक है। आंटी का थैंक्स करो, को आंटी जी शुक्रिया। हसन शर्मा रहा है, को आंटी जी आपका शुक्रिया। इसकी आंटी का फोन आया, इसने बात भी नहीं की। आंटी कह रही थी कि मेरी बात करवा दो हसन से। हसन आप अपनी आंटी का शुक्रिया करो, का आंटी जी शुक्रिया। लो शुक्रिया करना, हंसी जा रहे हो आप। हसन की खुशी की इंतहा नहीं है, घड़ी और ऐनक से बहुत खुश हो गया। बाहर पता नहीं कौन आ गया है, मैं देखती हूँ कौन आ है बाहर। कौन? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आपको मम्मा कह रही है कि हम लोग वाड़ा लेके आए, तो आप वाड़ा देखने आए। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अभी देखने आती हूँ। ये हमारे नेबर्स हैं, उनकी बेटी है, ये कह रहे हैं हम लोग वाड़ा लेके आए हैं, तो आंटी आप आए देखने। और हसन हुसैन को भी साथ लेके आए। अच्छा जी मैं अभी आती हूँ। ये मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी है, अपना नाम बताओ मुझे। हाँ बिस्मा इसका नाम है। तो ये बैरा लेके आए, तो मैं अभी देखने आती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। चलो आप जाओ, मैं अभी हुसैन सो रहा है, अभी उठ जाता है। तो इसने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खड़काया था कि हुसैन उठ ही गया, तो मैंने इसको आवाज़ दी कि आ जाओ बिस्मा, हुसैन साहब उठ गए हैं, तो मैं हम जाएंगे बैरा देखने। तो हसन साहब बहुत खुश हो रहा है। दरवाज़ा मैं कर दूँगी, चाबी मैंने पकड़ ली है। मौसम है आज इतना प्यारा, हवा चल रही है बहुत प्यारी। आ जाओ हसन, बाय बाय। शुक्र है मौसम ठंडा है, गर्मी जैसे बहुत ज्यादा थी अब कम है। इल्ला हम आगे हैं, आ जाए हम आपको अपना वैरा दिखाते हैं। हाँ जी बिस्मा कह रही है हम आपको अपना वैरा दिखाते हैं, मैं देखती हूँ। इनके मम्मा बोल रही है बच्चे है, बच्चे कह रहे हैं ये वैरा, मैं देखती हूँ, मुझे डर लग रहा है ये कहीं मारे तो नहीं। माशाल्लाह बहुत प्यारा है और बड़ा भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल करे, और अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक दे, आमीन। बच्चे जैसे ही पास जा रहे हैं, इससे मुझे डर लग रहा है कहीं ये मारे ना, इसे गुस्सा ना आ जाए। बच्चे भी डर की वजह से पीछे पीछे ही हैं। हुसैन
कर रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा इसका कलर भी है। अभी ये काफी बड़ा, फोन में आपको ना दिखाई दे लेकिन माशाल्लाह इसका कद बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं ना इसके पास नहीं जा रही है, गुस्से से देख, डर की वजह से आया ही नहीं है, डर की वजह से इधर खड़ा हुआ है। आया तो घर से बहुत शौक से था कि मैं देखूं, लेकिन ये आगे नहीं जा रहा, कह रहा मम्मा मुझे डर लग रहा है। फोन कह रहा है मैंने नहीं बैठा देखना है, तो इसको कैसे मनाया जा सकता है? ये मनाया नहीं जा रहा, ये बिस्मा इसको मनाने की कोशिश कर रही कि आ जाओ भाई देख लो, लेकिन ये डर की वजह से पीछे पीछे ही हो रहा है। इधर एक खाली प्लाट है, इधर बंधा हुआ है एक साइड पे। हम तो गए हैं कि मम्मा मैंने इसको चारा खिलाना है, चल हसन जो मुझे खुद डर लग रहा है, मैं बच्चों को पास लेके जाती हूँ, आजो हसन जो चलाओ बच्चों, आजो आजो बच्चों चारा खिलाओ, लेकिन पीछे रह के खिलाना है। हसन जैसे ही आगे आया ये गिरा के वो भाग गया, दूसरे बच्चे खिला रहे हैं चारा, आगे होके खिलाओ बिस्मा, आसिम आप खिलाओ, आसिम बच्चे खिला रहे हैं चारा, आगे हो जाओ इकरा थोड़ा आगे हो, ओ ये आगे से मारता है मुझे, ये डर है ये खुल जाए तो हम पे हमला कर दे। आगे मैंने फोन पे इतनी फनी वीडियो देखी है। मैं अपनी आंटी की गोद में दूर से बैठ के खुश हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी खुश हो रहे हैं, ये कह रहे मुझे उठाओ और मुझे उसके पास लेकर जाओ, और वो एक साइड पे बांधा हुआ है दीवार के साथ। लाव अच्छा देखकर आ गए हैं, प्यास लग गई, पानी पी लेंगे। हसन साहब तो उधर डरता ही रहे, शुक्र है मौसम बहुत अच्छा है, प्यारा मौसम ठंडा हो गया, बैठ के पियो, उधर बैठ जा, मैंने कहा उधर बैठ जाओ, देख लें हसन गंदा बच्चा जो खड़ा होकर पानी पी रहा है, बात नहीं मान रहा, सबको मैंने बता दी है कैसा नहीं गंदा बच्चा है। हुसैन देख रहे हैं इधर गली में बच्चे बकरा लेके आए हैं, हसन और हुसैन देख ही जा रहे हैं दरवाजे में खड़े होकर। ये हुसैन साहब है और ये तो कोशिश कर रहा है पूरी कि मैं उधर जाऊं बकरे के पास। अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि कल है ईद तो आज है चांद रात, मैं बनाने लगी हूँ खीर सुबह ईद के लिए। छोटी इलायची मैंने डाल दी है, दूध गर्म होगा, फिर मैंने चावल भिगो के रखे हैं, उसे मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर डालूंगी। ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, कुछ मैंने इसका सिंपल पुलाव बनाना है और बाकी इसमें से थोड़े से निकाल कर मैं ग्राइंड कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर चावल ग्राइंड कर रही हूँ, थोड़े से मैंने डाले हैं क्योंकि मेरे पास दूध है 1.5 लीटर। ये ग्राइंड हो गए, जैसे ही दूध गर्म होगा मैं बीच में ऐड कर दूँगी, अभी दूध को उबाल नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह इधर बन रही है खीर, चावलों का मैंने ग्राइंड करके डाल दी हैं, तो इसे मैं मजीद हिलाई जा रही हूँ कि गुटलियाँ ना बने। इधर मैं पुलाव बना रही हूँ, प्यास हमारा हो रहा है पिंक। मैं आई हूँ नईम भाई की दुकान पर मेहंदी लेने के लिए, माशाल्लाह नईम भाई ने दुकान बना ली है नई, पहली थी पुरानी और छोटी वाली। मैं हमेशा इस जगह से ही मेहंदी लेती हूँ क्योंकि इन लोगों की मेहंदी बहुत रंगली होती है, रंग इसका कलर बहुत प्यारा आता है। ये कोई पहले भी लेके गया है, वेस्ट करके चेक करके लेके गया है। नहीं भाई मेहंदी कितने की है? एक मेहंदी की भाई, ये मेरी वाली कितने की है भाई? नहीं भाई ये एक मेहंदी दे दें और शॉपर में डाल दें। अब जाएंगे हम वापस, चूँकि हसन हुसैन की कटिंग करानी है इसलिए से आ रहे थे, मुझे मिला है रास्ते में जमान, कह रहा था फूफो आप किधर आई, मैंने कहा हम मेहंदी लेने आए हैं और बच्चों की कटिंग कराने आए हैं। हुसैन कैसे बैठा हुआ है? हेलो ईद मुबारक। हाँ जी जमान की तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। हुसैन की करानी थी कटिंग लेकिन नहीं करवा सके, जितनी देर में हमारे दुकान बंद हो गई तो मैं अपने हैंड में मेहंदी लगा रही हूँ चूंकि आज है चांद रात। हसन कह रहा है मम्मा मुझे भी मेहंदी लगाएं, तो मैं लगा रही हूँ अपने हाथ में, सुबह आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें लाजमी बताया करें कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी।
दुआओं में याद रखे, खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहे। आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक बहुत बहुत, और एडवांस में आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। और कल का जो दिन हो अल्लाह करे कि हैरियो आफित वाला हो, और बारिश भी बताई है उन्होंने कि कल बारिश होगी, मौसम अच्छा हो जाएगा। आज भी सारा दिन हवा चलती रही है। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।